हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो गाइस, अभी हम लोग हैं हैदराबाद में और अभी हम लोग आए हुए हैं चार मीनार। और दोस्तों, अभी दीपावली का समय है और आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और गाइस, हम लोग घूमने आए हुए हैं शाम में और अभी टाइम हो रहा है लगभग 5 बज रहा है। तो आप देख सकते हैं सूरज ढलने वाला है और जो सूरज का जो लालिमा है, जो लाइट है, वो चार मीनार पे पड़ रहा है। कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है चार मीनार का। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके कुछ इतिहास के बारे में। तो गाइस, चार मीनार का निर्माण 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह ने करवाया था। और दोस्तों, शुरुआती दौर में यहाँ का जो राजा थे वो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर गोलकोंडा फोर्ट, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊंगा उसका वीडियो, तो वहाँ से वो अपना शासक चलाते थे। और बाद में राजधानी को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया, उसी दौरान ये चार मीनार का निर्माण किया गया था। और गाइज, हैदराबाद का शान यानी कि चार मीनार का आप चारों तरफ देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है आपको। और दोस्तों, सबसे अच्छा बात मुझे यह लगा कि चार मीनार का जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ लक्ष्मी का एक बहुत सुंदर सा मंदिर है। और गाइज, हम लोग बहुत अच्छे दिन गए थे घूमने के लिए, क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी का भव्य शोभा यात्रा भी था जो कि हम लोगों ने देख लिया। और दोस्तों, वहाँ से हम लोगों ने माँ लक्ष्मी का प्रसाद यानी कि भोग ग्रहण करके हम लोग चल दिए आगे। सो गाइज, जब हम पिछले बार आए थे तो उस टाइम में यहाँ पर इतने सारे मार्केट नहीं लगा हुआ था, चारों तरफ बैठ के आप फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते थे। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि माँ लक्ष्मी का शोभा यात्रा जो कि चार मीनार से होते हुए गुजर रहा था, जो कि हम लोगों ने देख लिया। और गाइस, चलिए जानते हैं कि इस चार मीनार को बनाया किस चीज़ से गया है, क्योंकि इतने सालों के बावजूद भी इनका जो चमक है वो कभी फेड नहीं होता है। तो गाइस, इसको भी उसी संगमरमर पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से मिला के बनाया गया है जिससे कि ताजमहल को भी बनाया गया था। और गाइस, चार मीनार का एक और ख़ास बात यह है कि कहा जाता है कि हैदराबाद का जो शहर का जो लेआउट है यानी कि नींव है, वो इसी चार मीनार से शुरू किया गया था। और आज है नवमी, नवमी के दिन देख सकते हैं चार मीनार के चारों तरफ खचाखच भीड़। हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। अब हम लोग यहाँ से डिसाइड किए, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कौन सा जगह है, टैंक रोड, जो कि वहाँ पे बहुत अच्छा जगह है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे पानी खोज रहे हैं लेकिन हम लोग का पानी मिल नहीं रहा है अभी यहाँ पे। हम लोग को बहुत मुश्किल से एक दुकान मिला है जहाँ पे राकेश को दिख गया पानी। कहाँ देखा पानी, कहाँ देखा, अच्छा इधर। सो गाइस, हम लोग चार मीनार घूम के अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। राकेश नहा रहे हो दोस्त, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है ये है चार मीनार का मार्केटिंग एरिया। ये चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारा मार्केटिंग है, आप देख सकते हैं पीछे रोड में भी। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर सा चूड़ी है। और गाइज, वहाँ से हम लोगों ने निकल दिए हुसैन सागर, क्योंकि हम लोगों को एक और जगह घूमना था और हम लोग सीधे वहाँ से पहुँच गए हुसैन सागर के पास, जो कि इसको हैदराबाद का मरीन ड्राइव के भी नाम से जाना जाता है। ये सिटी के बीच में है, बहुत बड़ा लेक है और आप देख सकते हैं पीछे। तो गाइस, चार मीनार से हम लोग सीधे आ गए हैं हुसैन सागर। गाइस, आप जो देख रहे हैं ये है हैदराबाद का ठीक बीच में बहुत बड़ा सा लेक है, आप इसको हैदराबाद का मरीन ड्राइव भी बोल सकते हैं। मैं छेड़ के बनकास
साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके।